हरे कृष्णा राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये मेरा छोटू सा लड्डू गोपाल है जो है 0 नंबर का, और मैं आज बनाऊंगी ये प्यारा सा क्रोशेट का एक पोंचो। देखिए, तो मैं बनाऊंगी 3 कलर से। पहले मैं लूंगी ऑरेंज, एक नॉट कर लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ करूंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें टोटल करना है 16 चेन्स। जैसे 16 चेन्स 0 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए 18 चेन्स, ऐसे दो दो करके बढ़ाते जाना है। उसके बाद पहले चेन से लास्ट चेन को मैं जॉइंट कर लूँगी। उसके बाद एक पोंचो का ये नेक हो गया। अब मैं इसे 2 एक्स्ट्रा लूँगी। 2 एक्स्ट्रा चेन लेने के बाद दूसरे नंबर एक चेन छोड़ के मैं करूँगी हाफ क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में मैं करूँगी हाफ क्रोशिया। ऐसे करते करते पूरे चेन में करूँगी, पूरे नेक राउंड में मैं करूँगी हाफ क्रोशिया। ऐसे ही पूरा कर लेना है। एक साइड का हो गया, मैं फिर से दूसरे साइड का हाफ क्रोशिया करूंगी। पूरा कंप्लीट होने के बाद आप देख पा रहे हो, अब मैं पहले और लास्ट में दोनों को ज्वाइन कर लूंगी। एक एक चेन लेके बीच से एक करके ज्वाइन करूंगी। इसके बाद ये मेरा बेस होने के बाद मैं यूज़ करूंगी अब वाइट। अब मैं वाइट चेन 2 करूंगी और करूंगी डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से उसी घर में और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, उसके बाद नेक्स्ट घर छोड़ के मैं करूंगी डबल क्रोशिया, फिर चेन और उसी घर में और एक डबल क्रोशिया। ओके, फिर से और एक चेन और एक घर फिर से छोड़ के करूंगी डबल क्रोशिया, मतलब एक चेन फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक घर छोड़ना है, फिर और एक, दो दो, एक घर में दो दो करके डबल क्रोशिया करना है। जैसे आपको समझ में आ रहा है, एक एंड है और एक बीच में होगा, नेक के बीच में, वहाँ पे आपको करना है एक घर में 4 डबल क्रोशिया, तभी ये पोंचो का एक वी शेप आएगा। मतलब एक घर में आपको डबल क्रोशिया करना है। अब देख पा रहे हो, ये बीच का पॉइंट है, मिडिल पॉइंट में फिर से आपको उसी घर पे डबल क्रोशिया और एक करना है, फिर 1, 2 घर चेन लेना है, फिर उसी घर पे आपको और एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन और फिर से डबल क्रोशिया। ओके, तो फिर एक वी शेप आ गया। फिर से पहले जैसे किया था वैसे ही करूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट घर छोड़ के डबल क्रोशिया करना है, एक घर में 2। ये देखिए, मेरा लाइन कंप्लीट हो गया और मैं
पहला और लास्ट को ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हो एक वी शेप आ रहा है, ऐसे दूसरे और एक लाइन करना है सेम। दो आपको लेना है चेन और जो बीच में है ना गैप है उसमें आपको करना है एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और आपको नेक्स्ट और एक जो गैप है वहाँ पे करना है डबल क्रोशिया एक और फिर से करना है डबल क्रोशिया दो। ओके, हो गया दो डबल क्रोशिया। ऐसे ही हर एक गैप में आपको दो दो करके डबल क्रोशिया करना है। मेरा कंप्लीट हो गया पूरा और मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगी। ये जीरो नंबर लड्डू गोपाल है तो मैंने दो लाइन किया। अगर ये थोड़ा सा बड़ा लड्डू गोपाल है तो आप और थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट कलर करूँगी ग्रीन और मैंने पूरा चेन में मुझे करना है डबल क्रोशिया। मैं हर एक चेन पे डबल क्रोशिया करूँगी, ये पूरा लाइन में डबल क्रोशिया कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। कंप्लीट होने के बाद मैं ज्वाइन कर लूँगी। ओके, मैंने नॉट कर लिया और देख पा रहे हो एक पोंचो का डिज़ाइन आ ही गया। अब नीचे आपको कोई भी डिज़ाइन देना तो दे सकते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन देना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं। अब मैं करूँगी एक फ्लावर मोटिव, उसके लिए मैं यहाँ नॉट कर लिया और चेन बनाऊँगी टोटल 15 चेन होगा तो एक मीडियम साइज़ का छोटा सा एक फ्लावर होगा। अब जितना ज़्यादा चेन लेंगे उतना ही बड़ा फ्लावर होगा। तो फिर क्या करेंगे, टोटल 15 चेन लेने के बाद पहला एक दो तीन छोड़ के चार नंबर घर पे आपको करना है लेके करना है डबल क्रोशिया, उसी घर पे और एक करना है डबल क्रोशिया, फिर आपको नेक्स्ट घर में करना है एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया, एक घर में आपको करना है तीन डबल क्रोशिया। मतलब पहले वाला घर पे करना है दो डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट वाले घर से स्टार्ट करना है तीन तीन डबल क्रोशिया एक एक घर पे। फिर नेक्स्ट में आपको लेना है और करना है डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वाले घर पे लेना है और करना है डबल क्रोशिया। ऐसे करते करते पूरा आप देख पा रहे हो मेरा कंप्लीट हो गया और लास्ट में मैं इसे एक टक कर लूँगी और कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि कितना प्रिटी लग रहा है, बहुत ही इजी है और एक अच्छा सा रोज़ हो गया। वैसे मैं बहुत सारा बना लूँगी और इसी स्टार्टिंग के कॉर्नर से मैं मोती लगा लूँगी नीडल और थ्रेड के मदद से। पीछे भी अच्छे से टक कर लूँगी ताकि ये ना हिले और सुंदर सा फ्लावर बने। ऐसे मैं बहुत सारा बना लूँगी, ठीक है। इसके बाद जो मैंने पोंचो बनाया था उसी पोंचो के नीचे के साइड पोर्शन में मैं ये सारा जो फ्लावर है वो मैं लगाऊंगी।
सेट करने के बाद मैं नीचे से निडल और थ्रेड लेके मैं नीचे पोंचो के संग ऊपर का फ्लावर को अच्छे से सेट करके स्टिच कर दूंगी। ऐसे ही फ्लावर सारे पोंचो के साइड में धीरे धीरे स्टिच कर लेना है।